नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां अनंत नियति वर्ल्ड पीस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित अनंत श्री शिव शक्ति पीठ एवं संस्कारशाला आश्रम पर श्री हरि पंचांग के 13वें संस्करण के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमद हनुमत भक्ति प्रचार मंडल के सभी सम्मानित सदस्य एवं भक्तजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों द्वारा श्री हरि पंचांग के 13वें संस्करण का विमोचन किया गया। विमोचन के अवसर पर पूर्व चेयरमैन राजू गुप्ता, समाज सेवी डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, समाज सेवी डॉक्टर एनपी सिंह, दिनेश चंद्र अग्रवाल नवीन, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। और आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज को श्री हरि पंचांग के 13वें विमोचन के लिए बधाई दी और सभी लोगों ने इस श्रेष्ठ कार्य की सराहना की। कार्यक्रम के अध्यक्ष यशपाल तुरी ने की एवं संचालन पवन संगम ने किया। इस दौरान विमोचन में निखिल छाबड़ा, सुभाष कौशिक, मनोज रस्तोगी, पंकज भटनागर, विजय शर्मा, सुनील कुमार, राजीव कुमार, रणवीर सिंह, सुनील अग्रवाल, सुनील वर्मा, सचिन सिंह, जयवीर सिंह, विक्रम राणा, पारस पुष्पक, उत्तम भारद्वाज, मोती शर्मा, नवबंधु वशिष्ठ, मनोज शर्मा, अनिता चौहान, सरस्वती कौशिक, राजेश अग्रवाल, उषा गर्ग, बबीता त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया, श्री हरि पंचांग एक पंचांग है जिसके माध्यम से लोगों में जो वैमनस्यता है तिथियों के विषय में या और भी त्योहारों के विषय में, तो उसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग रखते हैं। और विगत 14-15 वर्षों से लगातार यह क्रम चल रहा है। समाज के संभ्रांत लोग और राजनीतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और निःशुल्क रूप से यह पंचांग हम लोग बांटते हैं। श्रीमद हनुमत भक्ति प्रचार मंडल एक बहुत बड़ी हमारी धार्मिक संस्था है, उसके जुड़े हुए सभी भक्तजन इसमें उपस्थित होकर के इस हमारे कार्यक्रम को सफल करते हैं। सभी का बहुत शत प्रयास रहता है। जातिवाद, ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठ करके आपसी सौहार्द का एक व्यवहार बने समाज में, यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है। नशा मुक्त समाज हो, एक आध्यात्मिक भावना, देशभक्ति व्यक्ति के अंदर बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।